पूर्व सीएम उमा भारती ने कैन बेतवा परियोजना को संसद से मंजूरी मिलने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उमा भारती ने कहा कि कैन बेतवा परियोजना को लेकर कमलनाथ से भी मैंने चर्चा की थी। परियोजना को लेकर यूपी और एमपी सरकार में कोई विवाद नहीं था, केवल कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था कि पर्यावरणविदों के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं। उत्तराखंड में सब तरफ और भी जगहों पर रोड बन रहे हैं, और भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें फटाफट पेड़ कट रहे हैं, तो वहाँ भी तो हाथी हिरण शेर उनके पीने का पानी का संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन चूंकि इस योजना से सिर्फ गरीबों को लाभ था, तो इस योजना में कुछ थोड़े से गीधों की जीवन रक्षा के कारण इस योजना पर मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। और इस पर हमने पूरा आर्गूमेंट दिया, पूरे सबूत दिए कि ये गीध नहीं मरेंगे इस योजना से। फिर कई बार उन्होंने स्पॉट इंस्पेक्शन किए, फिर अंत में मैं संसदीय समिति को लेके गई थी वहाँ पर अपने साथ जब मैं मिनिस्टर थी तब उस स्पॉट पर। और इस प्रकार से वो स्थितियाँ बनती गईं कि पर्यावरणविद भी मंजूरी दे दिए। उनकी भी आपत्ति जायज है, उनका काम है सबकी रक्षा करना। तो मुझे आज प्रसन्नता हो रही है, लेकिन एक अच्छे माहौल में ये प्रसन्नता पूर्ण खबर नहीं मिली है। एक दुखद माहौल है, हमारे देश का सेना का वरिष्ठतम अधिकारी संकट में है और उनकी पत्नी भी संकट में है, उनके साथ के लोग भी, उनके बारे में अच्छी खबरें नहीं हैं। सारी घटना अभी चिंतित करने वाली है, दुखी करने वाली है। सभी लोग, पूरा देश शोक की लहर में है। कैबिनेट तो स्वाभाविक रूप से होनी ही थी, कैबिनेट ही चल रही थी जब ये घटना हुई है। तो इसलिए अचानक मैं टीवी तो देख रही थी जनरल साहब की वजह से। जनरल साहब से मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छा परिचय रहा है। और मैं अभी जैसा कह रही थी कि एक मीठा पुतला बनाया जाए शक्कर का, उसमें शौर्य फूंक दिया जाए और उससे एक मनुष्य का निर्माण हो, तो जनरल साहब ऐसे ही हैं। वो एक मीठे शक्कर के बने हुए व्यक्ति जिसमें शौर्य की आभा है। स्वभाव में अत्यधिक मिठास और विनम्रता, और चरित्र में प्रगाढ़ देशभक्ति और परम बलवान व्यक्ति। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानती थी और इसलिए मैं अभी भी भगवान से उनकी कुशलता की कामना कर रही हूँ। ईश्वर से उनके गंभीर होने की खबर मुझे मिली है, तो ये सब दोनों चीज़ें इतनी मिक्स हो गई हैं। लेकिन मैं आज अभी शिवराज जी को मिलूँगी और केन बेतवा के लिए उनसे जा कर के उनका अभिनंदन करूँगी। अब आज चूँकि एक उत्सव का वातावरण नहीं है, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि हम खुशी मनाएंगे मिल करके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।